पहला रियलिटी शो, सिंगिंग रियलिटी शो ओरिजिनल है। और उससे भी बेहतर बात है कि यहाँ पे म्यूज़िक की बात होती है, और अगर बच्चे कुछ ऊपर नीचे करते भी हैं तो उनको बताया भी जाता है कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसा करना चाहिए। खाली कमेंट नहीं होता है कि आपने ठीक नहीं गाया, अगली बार कोशिश करना। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस मंच के साथ जुड़ने में, पहली बात। और जहाँ तक बात स्ट्रगल की है आपका सवाल, तो मैं अपने आप को ही उसमें सबसे पहले रखती हूँ। जब मैं मुंबई गई थी तो मैंने कभी किसी रियलिटी शो में एज ए कंटेस्टेंट कभी परफॉर्म नहीं किया, वो बात अलग है। लेकिन मैंने एज ए जज, एज ए गेस्ट जज बहुत बार इंटरफेयर प्रेजेंस किया है। जैसे कि सारेगामा पा में मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, और जी के साथ तो रिश्ता और भी पुराना है। मैं अंताक्षरी होस्ट कर चुकी हूँ अनुपूर जी के साथ। तो ये जो रियलिटी शोज़ होते हैं उसका मुझे अनुभव है, और अब जज बने हैं उस हिसाब से मुझे इन लोगों के ऊपर बहुत ही कहते हैं ना, फख्र महसूस होता है कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं। जब तक हम लोग टीवी देखते हैं, कोई भी रियलिटी शो, नॉट ओनली सारेगामा पा, जब टीवी देखते हैं कोई कंटेस्टेंट गाता है तो हम वहाँ बाहर टीवी के कह देते हैं ये मज़ेदार नहीं गाया, या इसको थोड़ा और वो कर सकता था, ऐसा बोल देते हैं। बट जब इसके साथ जुड़ गई हूँ तो एक नई चीज़ देखने को मिली कि एक हफ्ता मिलता है इनको, और उस हफ्ते में बहुत और भी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको इनको देखना होता है, क्योंकि ये लोग कंटेस्टेंट हैं, इनको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। साथ में गाने को बाय हार्ट याद करना पड़ता है, खाली रटाफिकेशन नहीं, उस गाने के शब्दों को जीना पड़ता है, हर बात का मतलब को समझना पड़ता है, फिर उस फील के साथ उसको वहाँ पे डिलीवर करना। जब इनका कॉम्पिटिशन लेवल स्टार्ट होता है उस पर इनको जजमेंट मिलती है, तो मुझे इनकी मेहनत देख के बहुत खुशी होती है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इनके साथ जब तक इस मंच में हूँ जुड़ी रहूँ और इनकी हेल्प करती रहूँ। तो वो वाला जो सवाल था उसका एग्जांपल मैं अपने आप को मानती हूँ कि 23 साल पहले जब मैं मुंबई आई थी तो कोई गॉडफादर नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, बस उठ के आ गई। और जहाँ मैं दिल्ली की एक तरह से क्वीन थी, लोग मेरी वजह से डेट्स चेंज करते थे, और वहाँ मैं घंटों इंतज़ार करती हूँ कि कोई मुझे सुन ले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए और अपने ऊपर यकीन होना चाहिए। तन्मय को आप क्या कहना चाहेंगे? तन्मय एज ए किड्स भी आ चुके हैं जी के अंदर और आप सीनियर उसमें आए हैं, तो अब मैं तब भी गई थी जब तन्मय वहाँ था, वो जो पुराना क्लिप देखा, आई वॉज देयर वन ऑफ एक एपिसोड में मैं आई थी कि दो थे मुझे याद, तो उसमें तन्मय ने मेरे साथ बहुत फ्लर्ट किया था, मुझे बहुत छेड़ा था इसने, और मुझे लगा कि ये शायद मुझे प्रपोज कर रहा है। तो कहता मैं कभी शादी नहीं करा, उसने मेरा दिल तोड़ दिया था, क्योंकि इसका गाना था दिल नहीं तोड़ना। सो आई नो हिम फ्रॉम दैट शो 10 साल पहले, और आज 10 साल बाद इतना ग्रो कर गया है गायकी में, और समझ में भी, संगीत की समझ भी बहुत हो गई है। ऐसे अभी हम पीछे एक रिहर्सल कर रहे थे एक ही गानों की, तो तन्मय ने कुछ ऐसा जगह गाया तो मैं चुप कराया, मैंने कहा मैं बताऊँ गलती या खुद पहचानोगे। तो मुझे इतना खुशी हुई जब वो अपनी खुद ही समझ गया कि हाँ मैम यहाँ पे हो गया है गुच्ची, तो मैं इसको वापस से ठीक करता हूँ। विशाल के लिए क्या कहना चाहिए? साहिल ये पंजाबी पुत्र है हमारा, बहुत सुरीला, बहुत ही तैयार गला है। सभी जितने भी कंटेस्टेंट हैं, ये तो बाई चांस दोनों मेरे साथ हैं, मैं सबके बारे में कहना चाहूँगी कि बहुत ही समझ और सूझ वाले, और एक अच्छी उससे बात है कि सबकी बेसिक ट्रेनिंग हुई है, ऐसे ही खाली गॉड गिफ्टेड हैं आ गए हैं ऐसा नहीं है। वो भी किस्मत की बात होती है कि खाली गॉड गिफ्ट से ही आपका काम चल जाता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनकी खासियत ये है कि इस चीज़ को इन्होंने पहचाना कि ईश्वर ने अगर किसी आपको तोहफे से नवाजा है तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उस पर वो काम करें, उसकी इज्जत करें और उसको सही तराशें अपने लेवल पे। तो ये वो कर रहे हैं, तो इसके लिए बिग हैंड फॉर देम, बहुत सब बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्लास तन्मय से हम चाहेंगे कि ये एंटरटेनिंग भी है जैसे जी किड में भी था, तो इसको क्या देखते हैं कि ये जैसे किशोरदा थे हमारे, तो उसी तरह की सिंगर और एक्टर बनेंगे? एक्टर है तो हीरोइन तो नहीं होंगी,
अब आगे का तो पता नहीं, फिलहाल तो मैं इनको ये सब बातें ना बोलती हूँ ना मैं सुन के कान पे हाथ रख देती हूँ, कान पे हाथ रख देती हूँ कि ये बातें सुनना भी नहीं इनको, सिर्फ अभी फोकस करना है अपने गाने पे। और इसी में ही अगर